प्रेशर इसमें ज़्यादा दिए हैं इसीलिए निकला है। चालू कर। हाँ नहीं, पाइप फटा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको ब्लॉकेज हुए पाइपलाइन को प्रेशर पंप के जरिए क्लीन करना सिखाऊंगा। पीछे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाथरूम वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो इस बाथरूम में दोस्तों, बाथरूम क्या, इस घर में जितना भी दोस्तों ये प्लम्बिंग वाला पाइपलाइन है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो अभी ब्लॉकेज हुए पाइपलाइन को प्रेशर पंप के जरिए कैसे क्लीन करेंगे, कंप्लीट जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए, जो ब्लॉकेज हुआ पाइपलाइन है प्रेशर पंप के जरिए कैसे क्लीन करेंगे ये देखिए। यहाँ पे प्रेशर पंप आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रेशर पंप के बारे में मैं समझा दूँ आपको। ये देखिए, ये आउटलेट है, ठीक है, और इनलेट ये है। किसी कहीं से भी आप पानी ले सकते हैं, टब में या फिर बाल्टी से वगैरह भर के। देखिए पानी यहाँ से लेंगे और इसको ऑन रखेंगे तो ये पानी खींच के उसके बाद ये पाइपलाइन को फिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है दोस्तों काफ़ी हैवी पाइपलाइन है, तो इसके ज़रिए पानी यहाँ पर फिल करेंगे। और ये देखिए बाथरूम में आपको दिखा दूँ, आइए ये देखिए, देख रहे हैं पूरा इस तरह से काला काला कचरा निकल रहा है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो प्रेशर दिया भी नहीं गया है, इस तरह से कचरा निकल रहा है। जो ये दोस्तों बाथरूम वाला एरिया है पूरा चोक कर गया है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ पे प्रेशर पंप को ऑन रखेंगे, यहाँ से पानी लेंगे, पानी को फिल करेंगे पाइपलाइन के अंदर। अब उसमें जो भी कचरा होगा वो घुल जाएगा, पानी के साथ घुल मिल जाएगा। उसके बाद रिलीज करेंगे, प्रेशर देंगे रिलीज करेंगे, प्रेशर देंगे रिलीज करेंगे। यही प्रक्रिया दोस्तों कई बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे तो पाइपलाइन क्लीन हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ पे इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए ऑन हो गया है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, धीरे धीरे प्रेशर देंगे। यहाँ पर इसका जो वैल्यू है MPa में है, मेगा पास्कल में। तो पहले 10 पे देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक बार नहीं कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में ज़्यादा प्रेशर दे दूँ। इस मशीन में दोस्तों ताकत ज़्यादा है, पाइपलाइन को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे प्रेशर देंगे। अभी देखिए पाइपलाइन जो है दोस्तों पानी से फिल हो रहा है, ठीक है। ये खुला था क्या? हाँ खुला था। चलो ठीक है। ये देखिए पूरा कचरा निकला हुआ है दोस्तों, इसके साथ में थोड़ा सा भी निकला है। तो इस तरह से रिलीज करेंगे, कहाँ से एक बार और।
दुर्गे सीजर दिखाइयो। ये देखिए, देख रहे हैं ना, पूरा काला काला कचड़ा निकल रहा है। ये देखिए पानी दोस्तों, अभी पूरी तरह से देख सकते हैं कितना गंदा है। चलिए प्रेशर देंगे, रिलीज करेंगे, यही प्रक्रिया दोहराना है तब तक जब तक साफ नहीं होता है। देखिए अभी भी साफ नहीं हुआ है, ये निकल रहा है पूरा कचड़ा। देखिए अभी भी निकल रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा काला काला कचड़ा। तो अभी दोस्तों ये लगभग लगभग ये साफ़ हो चुका है, साफ़ होने वाला है अभी थोड़ी देर में, ये साफ़ हो जाएगा। 3-4 बार और प्रेशर देंगे यहाँ पे। देखिए अभी साफ़ पानी आने लगा है, 2-3 बार और देखता हूँ मैं। ऊपर का जो दोस्तों, कभी भी आपको प्रेशर देना हो किसी भी अप्लायंसेस के ज़रिए आप दोस्तों प्रेशर दीजिए, तो उस समय आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो गेट वाल्व है ना टैंक के पास, उसको बंद रखना, उसके बाद ही प्रेशर देना है। वही प्रक्रिया मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर का गेट वाल्व बंद कर दिया हूँ, नीचे से प्रेशर पंप के जरिए प्रेशर दे रहा हूँ और यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। पूरा जो पाइपलाइन है दोस्तों, पानी के साथ में पानी और कचरा दोनों एक साथ मिल के घुल जा रहा है, उसके बाद वही कचरा यहाँ पर निकल रहा है। देखिए अभी दोस्तों पाइपलाइन जो है पूरी तरह से हमारे हिसाब से ये क्लीन हो गया है। अब एक बार टैंक का जो गेट वाल्व है ना, उसको ऑन करके देखता हूँ क्या पोजीशन है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी दोस्तों टैंक का जो गेट वाल्व है उसको खोल दिया हूँ मैं, खुल गया है, ठीक है। ये देखिए खोल दिया गया है, देख सकते हैं। देखिए अभी ऊपर का जो कचड़ा है दोस्तों, जहाँ पर कहीं पर रुका हुआ होगा वो देखिए यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं पहले जो पानी था दोस्तों, बाथरूम में एक बूंद पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। ऊपर का जो गेट वाल्व है उसको मैं खोल दिया हूँ, पाइपलाइन पूरी तरह से क्लीन हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भरपूर पानी आ रहा है, जितना पहले आ रहा था नया जैसा, ठीक है। चलिए बाथरूम में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए प्रेशर पंप अभी लगा ही है, लेकिन बंद कर दिया हूँ मैं। कोई गया है क्या अंदर? अच्छा ठीक है। आइए, उसके बाद एक टैप बाहर भी है, देखते हैं वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे है पीवीसी टैप है, वो देखिए पूरा भरपूर आ रहा है जैसा पहले आ रहा था। ये देखिए हो गया सर। देखिए ये बाथरूम वाला है जगह, कौन वाला है? यही वाला है ना। देखिए यहाँ भी दोस्तों साफ हो गया है यहाँ पे पानी, लेकिन थोड़ा सा कम आ रहा है, पता नहीं क्यों, इस पैटिल में कचरा होगा। पाइपलाइन तो पूरी तरह से साफ हो गया है। यहाँ पे एक टैप है, ये देखिए
देखिए कचरा के कारण ये भी जाली ब्लॉक हो गया, वो प्लायर दीजिए तो पकड़। ये देखिए देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए देखिए ये सहवाल है जो कि पाइप के अंदर होता है। देखिए तो यही सब दोस्तों जो कचरा है वो होता है पाइप के अंदर, वही सब आके यहाँ पे चोक कर गया था। देखिए अभी पानी दोस्तों यहाँ पे भरपूर आ रहा है, जगह आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना पूरा काला आ रहा है, जैसे ब्लैक कलर का कलर इसमें घोला गया है। देखिए यहाँ पे सिस्टम लगा है तो अभी कनेक्शन पाइप को बाहर ही दोस्तों पानी रिलीज करेंगे, नहीं तो इसके अंदर का दोस्तों जो वाल्व है उसमें भी कचरा चला जाएगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल दोस्तों ये सही है क्योंकि इसमें कचरा नहीं था, ये चालू हो गया है। तो अभी बाथरूम वाला देख सकते हैं क्लियर हो गया, पानी यहाँ पे आ रहा है पूरा भरपूर आ रहा है। किचन वाला चेक करेंगे। देखिए ये वॉश बेसिन है, यहाँ भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी भरपूर आ रहा है पानी, ये देखिए कचरा निकल रहा है अभी जो रुका हुआ था, ये देखिए देख रहे हैं ना अभी पूरा ये भी क्लीन हो गया है। उसके बाद ये देखिए ये किचन वाला एरिया है, तो सबका जाली पहले निकाल लेना है, ठीक है, जाली निकाल के उसके बाद आपको चेक करना है। जाली खोल लिया, ये देखिए पूरा काला निकल रहा है, ये देखिए इस तरह से आपको रिलीज करना है, देख रहे हैं ना, देखिए बहुत ज़्यादा कचरा निकला। तो अभी दोस्तों देखा आपने प्रेशर पंप के जरिए जो ब्लॉकेज हुआ पाइपलाइन था उसको मैं पूरा क्लीन कर दिया। पहले दोस्तों मैं आपको दिखाया था एक बूंद पानी नहीं आ रहा था, बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रेशर पंप के जरिए क्लीन करने के बाद भरपूर पानी आ रहा है, वो भी हर जगह आ रहा है, बाथरूम में आ रहा है, बाहर वाले एरिया में आ रहा है, उसके बाद वॉश बेसिन में भी आ रहा है, किचन वाले सिंक में भी पानी आ रहा है। जो भी पाइपलाइन है पूरी तरह से क्लीन कर दिया मैं प्रेशर पंप के जरिए, ठीक है। तो आपके साथ भी दोस्तों कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप प्रेशर पंप का इस्तेमाल करके क्लीन कर सकते हैं, हैंड प्रेशर पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है उसमें दोस्तों प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बड़े लेवल पर आप कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा प्रेशर उससे दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मशीन का ही सहारा लेना पड़ेगा, मशीन के जरिए पूरा मैं क्लीन कर दिया। किसी भी तरह का पाइपलाइन हो, वो GI हो, PVC हो, CPVC हो, PPR हो, पूरा क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपके समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नेटअप के साथ।